request Richa to please come and talk about inclusive education. Are we doing, you know, we have heard so much about how we are not reaching all children. So also about children with special needs, what is the status there and what is happening there, what is needed there? शेड्यूल पेरेंट्स के लिए था और हमने पढ़ाई
करेगी। वो ऐसे बच्चे हैं जो अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, उन्हें दूसरों की जरूरत नहीं हो लेनी पड़ती है अपने काम को करने के लिए ज्यादा। इनमें से कुछ ऐसे लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चे होंगे जो एक पैर से चल पाते हैं लेकिन दूसरे पैर में उनकी उनको तकलीफ है, या जिनको कम दिखाई देता है या एक आंख से दिखाई देता है, तो इस टाइप के बच्चे। वैसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, जिन्हें मोबिलिटी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वैसे बच्चे होम बेस्ड एजुकेशन में या तो शिफ्ट हुए हैं या फिर वो स्कूल सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात ये आई। दूसरी बात ये कि इन 210 बच्चे में से 35 बच्चे ऐसे थे जिन्हें अपने काम को करने के लिए अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग एड या फिर स्पेक्स या वैसा भी या जो भी आप कह रहे हैं, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बट इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ऐसे थे जो इनका उपयोग कर पाते थे या उनके पास वो चीजें उपलब्ध थी। कमिंग टू द यू नो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिलीज, नाउ मोस्ट ऑफ दीज फैमिलीज आर डेली वेज अर्नर्स, पेटी फार्मर्स और इन्वॉल्व इन अ स्मॉल बिजनेस इन अन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और द माइग्रेंट वर्कर्स एंड सो फोर्थ। दीज आर द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिलीज। आउट ऑफ दिस ड्यूरिंग दिस पैंडमिक 81% ऑफ द फैमिलीज रिपोर्टेड टू हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यूरिंग द पैंडमिक, 90% ऑफ देम टुक डेथ ड्यूरिंग दिस पैंडमिक एंड 97% ऑफ फैमिलीज रिपोर्टेड दैट दे हैड अ लैक ऑफ फूड एंड अ सिचुएशन ऑफ हंगर ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। सो दिस वॉज द सिनेरियो इन द फैमिली एक्जिस्टिंग ड्यूरिंग द पैंडमिक। देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हम कहते हैं कि गरीबों के लिए बहुत ही जरूरी होती है, तो इस शोध में हमने पाया कि 43% ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट हैविंग अ डिसेबिलिटी सेक्टर व्हिच इज सॉरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट व्हिच इज असेंशियल टू गेट डिसेबिलिटी पेंशन पेंशन और एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड एंटाइटलमेंट्स। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि 43% बच्चों को के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क से बाहर है। उसके अलावा जिन बच्चों के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी हैं उनमें से 35% ऑफ देम डू नॉट अवेल डिसेबिलिटी पेंशन ड्यू टू वेरियस रीजन, उनका डिसेबिलिटी पेंशन से वो एसोसिएटेड नहीं है। देन ड्यू टू दिस बिकॉज ऑल दीज फैमिलीज दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज फैमिलीज, तो इनके इन बच्चों के लिए ये सोशल सिक्योरिटी या जो पेंशन या स्कॉलरशिप होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन को के लिए, बट दे आर नॉट अवेलिंग इट। सो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एंड दे आर कंटिन्यूइंग देयर यू नो एजुकेशन, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ बैरियर्स इन द सेंस 39% of children are unable to access the basic facilities of drinking water, toilets and libraries and you know playgrounds and all. 36% of children said that they do not have any sort of accommodation या कोई support in their sitting arrangement जिसके कारण वो participate नहीं कर पाते हैं। 37% of children said that only 37% of children said that उन्हें स्कूल की पढ़ाई समझ में आती है, just 37% of children. So more than half of the children with disabilities studying in the school are not able to understand the curriculum simply because they are not getting that type of support from the school. The syllabus is not made according to their needs, teaching materials are not there, and 97% of children said that they do not know about any aids and appliances that can help them in having education. So there is complete lack of knowledge among the children as well as parents. Despite all these difficulties, they are studying because they have this aspiration to achieve independent living. Pandemic jo hai
नहीं रखा। स्कूल जब खुलता था या फिर स्कूल में जब मिड डे मील का राशन दिया जाता था या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो देती थी दी जाती थी वो उन्हें नेबर्स के थ्रू या स्कूल के अन स्टूडेंट्स के थ्रू मिलता था। कभी भी स्कूल या बच्चे के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। 98% पेरेंट्स ने ये कहा कि इस कोविड के दौरान पैसों की कमी के कारण उनके बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स जो है वो सारे सपोर्ट सिस्टम नहीं दे पा रहे थे अपने बच्चों को। 97% बच्चों के पास किताबें नहीं थी और उन्होंने किताबें तब खरीदी जब घर की सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई। और ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन जिसकी हम इतनी बात करते हैं, 96% ऑफ बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं था कि एजुकेशन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन भी चलाया जाता था। और साथ ही साथ 82% फैमिलीज के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं थे। तो एक तरीके से ये जो पूरा सिस्टम था वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के नीड्स को देखते हुए नहीं बनाया गया था। साथ ही साथ जो कंटेंट जो था ऑनलाइन एजुकेशन का, दैट वॉज नॉट इन साइन लैंग्वेज, दे हैड नो कैप्शंस एट ऑल। सो एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल भी जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया था। और जब स्कूल खुला तो भी कोई सिचुएशन कोई खास अच्छी नहीं थी। हम SLCs की बात करते हैं तो SLCs का जो उस समय जो जिसका मेन रोल होता है कि स्कूल डेवलप हो, प्लानिंग वगैरह की बातें होती है SLCs में, उस समय SLCs जो थी वो नॉन फंक्शनल थी। और इन सब चीज़ों के बाद भी बहुत सारी लर्निंग लॉसेस हुई और शायद उस लर्निंग लॉसेस को पूरा करने में शायद अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और जस्ट लास्ट दो सजेशन है जो कि पेरेंट्स के थ्रू दी गई वो ये कि बच्चों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ जोड़ा जाए और उन्हें हर एक फैसिलिटीज दी जाए जो उनको उनकी एजुकेशन के लिए उन्हें हेल्प दे सके। थैंक यू। एंड इफ एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन दे कैन कॉन्टैक्ट आस्था फॉर द स्टडी। और बाकी अभी ये स्टडी जो है अपनी फाइनल दौर पे है, जल्दी ही पब्लिक में आ जाएगी वो, तो यू कैन सी इट फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबको शिक्षा, समान शिक्षा बहुत दूर है अभी। ये एक स्टडी है पर आई थिंक इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। सो विद दैट आई विल नाउ